हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वाति और आज का वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है हमारे चैनल पर और वो है माइक्रोवेव यूटेंसिल्स के बारे में। हमारे चैनल पर माइक्रोवेव से रिलेटेड कई सारे वीडियोस हैं, जैसे हाउ टू यूज़ माइक्रोवेव, हाउ टू प्रीहीट माइक्रोवेव, 5 मिनट माइक्रोवेव रेसिपीज। अगर आपने ये सारे वीडियोज अभी तक नहीं देखे हैं तो इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसे देख सकते हैं। तो इन सभी वीडियोस पर मुझे बहुत से लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे रिगार्डिंग माइक्रोवेव यूटेंसिल्स। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है कि डिफरेंट मोड्स पर हम माइक्रोवेव के कौन कौन से यूटेंसिल्स यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और साथ ही इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, इसमें मैं माइक्रोवेव यूटेंसिल से रिलेटेड आपको कुछ टिप्स भी दूंगी। तो शुरू करते हैं हम सिरेमिक कुकवेयर से। सिरेमिक यूटेंसिल्स को यूज करते समय हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो यूटेंसिल हमारा हीट रेजिस्टेंट है या नहीं। हम कोई भी सिरेमिक कुकवेयर को माइक्रोवेव में यूज नहीं कर सकते, उसमें उतनी हीट बेयर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसे कि आप मेरी एक हांडी देख सकते हैं, ये सिरेमिक की तो है पर इसे हम माइक्रो मोड में यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट नहीं है। और साथ ही अगर आप हीट रेजिस्टेंट सेरेमिक कुकवेयर्स का यूज कर रहे हैं तो ये भी देख ले कि उसका लिड किस तरह का है। जैसे कि इस हांडी का लिड ग्लास का है पर उसमें स्टील का भी यूज किया है, इसलिए इसे हम माइक्रो मोड में यूज नहीं कर सकते क्योंकि माइक्रो मोड में हम किसी भी मेटल के एलिमेंट को यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप इसे माइक्रो मोड में रीहीटिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो विदाउट लिड ही इसे यूज करें। जब भी आप सिरेमिक यूटेंसिल्स ले रहे हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि उस पर क्या लिखा है और वो कितनी हीट बेयर कर सकते हैं। जैसे कि इस कप के सॉसर पे मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें लिखा है कि ये माइक्रो सेफ है पर फ्रीजर और अवन सेफ नहीं है, इसलिए इन्हें हम माइक्रो मोड में तो यूज कर सकते हैं पर अवन में यूज नहीं कर सकते। और इन हीट रेजिस्टेंट सेरेमिक यूटेंसिल्स को आप माइक्रोवेव के सभी मोड्स यानी माइक्रो, ग्रिल, कन्वेक्शन और कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम ग्लास यूटेंसिल्स की। सेम सेरेमिक यूटेंसिल्स की तरह ही हमें ग्लास यूटेंसिल्स में भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो हीट रेजिस्टेंट है या नहीं। बोरोसिल, ट्रियो, पायरेक्स कई ऐसे ब्रांड है जिनके हीट रेजिस्टेंट यूटेंसिल्स आते हैं और इन्हें आप लेते समय ये ध्यान में रखिए कि इनके बॉक्स पर माइक्रोवेव सेफ मेंशन है या नहीं। सेम सिरेमिक बोल्स की तरह ही हमें ग्लास के बोल्स को भी यूज करते समय ये ध्यान में रखना है कि उनका लिड किस तरह का है। जैसे कि आप ये बॉक्स देख रहे हैं, इसका लिड प्लास्टिक का है, इसलिए आप इसे माइक्रो मोड में तो यूज कर सकते हैं पर कन्वेक्शन या ग्रिल में नहीं कर सकते क्योंकि उनमें हम प्लास्टिक को यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसी भी बोल को यूज करते समय आप उस बोल के साथ साथ उसकी लिड को भी ध्यान में रखिए कि उन दोनों लिड और बोल को आप एक ही मोड में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और इन हीट रेजिस्टेंट ग्लास यूटेंसिल्स को भी आप माइक्रोवेव के सभी मोड्स माइक्रो, ग्रिल, कन्वेक्शन और कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम प्लास्टिक के कंटेनर्स और बोल्स की। प्लास्टिक कंटेनर्स और बोल्स को आप केवल माइक्रो मोड में ही यूज कर सकते हैं, बट अगेन ये इंश्योर कर ले कि वो माइक्रोवेव सेफ है या नहीं। हर प्लास्टिक कंटेनर माइक्रोवेव सेफ नहीं होता। कई बार हम अपने प्लास्टिक के बॉक्सेस या कंटेनर के पीछे इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स देखते हैं, पर इनका मतलब क्या होता है, आइए आज ये भी जान लेते हैं। कप के साथ फोक का सिंबल इंडिकेट करता है कि आपका प्लास्टिक फूड से कांटेक्ट के लिए सेफ है। साथ ही अगर आप एक रेडिएशन वाला सिंबल देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपका प्लास्टिक माइक्रोवेव सेफ है। अगर आप इस तरह के स्नोफ्लेक्स देखते हैं अपने प्लास्टिक के कंटेनर्स पे तो इसका मतलब है कि वो फ्रीजर सेफ है। और साथ ही अगर आप डिशेस देखें रनिंग वाटर के साथ तो इसका मतलब है कि आपका प्लास्टिक डिशवॉशर सेफ है। और इन सभी सिंबल्स के साथ ऐसा एरो का आपने ट्रायंगल एक देखा होगा, ये होता है रीसाइक्लिंग सिंबल, यानी आप अपने प्लास्टिक को रीसाइकिल कर सकते हैं। और इस सिंबल के अंदर बहुत से नंबर्स लिखे रहते हैं 1 to 7। यहाँ आप चार्ट में देख सकते हैं कि इन नंबर्स का क्या मतलब है और किस तरह के प्लास्टिक इससे बनाए जाते हैं। और इस रीसाइक्लिंग सिंबल के अंदर लिखे हुए नंबर्स को हम अगर डिवाइड करें सेफ और अनसेफ प्लास्टिक के लिए तो नंबर 1 वाला सिंबल इंडिकेट करता है कि इस प्लास्टिक को आप बस 1 time यूज कर सकते हैं अपने फूड आइटम को रखने के लिए, जैसे बिस्लरी और किनले की वाटर बॉटल्स, इन्हें हमें बार बार यूज नहीं करना चाहिए। 2, 4 और 5 नंबर वाले प्लास्टिक कंटेनर्स को आप बार बार यूज कर सकते हैं अपने फूड आइटम्स को रखने के लिए, जैसे टपरवेयर, नाइसा, सेलो, मिल्टन के कंटेनर्स।
जो हम अपने लंच बॉक्स और फ्रिज में यूज करते हैं। 3, 6 और 7 नंबर वाले प्लास्टिक फूड से कॉन्टेक्ट के लिए अनसेफ होते हैं, इसीलिए हमेशा प्लास्टिक के कंटेनर, बोल्स और लंच बॉक्स लेते टाइम हमें इन सिंबल्स का ध्यान रखना चाहिए। और इन प्लास्टिक के कंटेनर्स, बॉक्सेस को आप सिर्फ माइक्रो मोड में यूज कर सकते हैं, अगर वो माइक्रोवेव सेफ है तो। नेक्स्ट बात करेंगे हम किचन में यूज होने वाले पेपर टॉवल या किचन नैपकिन्स की। और जी हाँ, इन किचन पेपर्स को आप आराम से माइक्रो मोड में यूज कर सकते हैं। मैंने अपने क्विक माइक्रोवेव स्नैक्स वाले वीडियो में पॉपकॉर्न बनाने के लिए एक पेपर बैग का यूज किया था। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इन पेपर नैपकिन्स का यूज आप आराम से माइक्रोवेव में कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ माइक्रो मोड में। नेक्स्ट बात करेंगे हम एल्यूमिनियम फॉइल और कंटेनर्स की। एल्यूमिनियम फॉइल को और इससे बने कंटेनर्स को, जिनका जनरली यूज हम ट्रैवलिंग में करते हैं अपने लंच बॉक्स को पैक करने के लिए, इन्हें आप ग्रिल और कन्वेक्शन मोड में यूज कर सकते हैं। याद रखिए कि आप इन्हें केवल ग्रिल और कन्वेक्शन मोड में यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन में नहीं, क्योंकि कॉम्बिनेशन मोड में साथ में माइक्रो मोड भी रहेगा और माइक्रो मोड में आप इसे यूज नहीं कर सकते। अब बात करेंगे हम मेटल ट्रे और मेटल रैक्स की। इस तरह के दो रैक हमें हमेशा माइक्रोवेव के साथ मिलते हैं, एक लोअर रैक और एक हायर रैक। लोअर रैक का यूज हम बेकिंग के लिए करते हैं और हायर रैक का यूज जनरली हम ग्रिलिंग के लिए करते हैं, इसलिए इन दोनों रैक्स का यूज आप ग्रिल मोड और कन्वेक्शन मोड में कर सकते हैं, माइक्रो मोड में बिल्कुल भी नहीं, साथ ही कॉम्बिनेशन मोड में भी नहीं, क्योंकि कॉम्बिनेशन मोड में ग्रिल और कन्वेक्शन के साथ माइक्रो मोड भी चलता है। और साथ ही हमें इस तरह की एक ट्रे भी मिलती है कुकीज और कस्टर्ड्स बनाने के लिए, इसका यूज भी आप ग्रिल और कन्वेक्शन मोड में कर सकते हैं। बात करें अगर हम केक टिन्स की, तो इस तरह के जो ब्लैक मेटल के केक टिन्स होते हैं या हमारे ट्रेडिशनल एल्यूमिनियम के केक टिन्स होते हैं, इन्हें आप आराम से ग्रिल और कन्वेक्शन मोड में यूज कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेरीज की थी कि इन्हें हम कन्वेक्शन मोड में यूज नहीं कर सकते, बट मेरे चैनल पर केक से रिलेटेड कई सारी रेसिपीज हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। मैंने इसी केक टिन में केक बनाया है, वो भी माइक्रोवेव में पर कन्वेक्शन मोड पर, इसे आप माइक्रो मोड में यूज नहीं कर सकते। और लास्ट में बात करेंगे हम सिलिकन मोल्ड्स की। आजकल हम मार्केट में कई तरह के केक मोल्ड्स और कपकेक मोल्ड्स देखते हैं सिलिकन के। ये बहुत ही इजी टू यूज होते हैं और बेकिंग करते समय इन्हें आप आसानी से यूज कर सकते हैं कन्वेक्शन मोड में, और ये आसानी से डीमोल्ड भी हो जाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन थी कि माइक्रोवेव में हम किस मोड पे कौन कौन से यूटेंसिल्स यूज कर सकते हैं, पर इन सभी चीजों के साथ हमें कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। टिप नंबर 1, स्टील या मेटल का कोई भी ऑब्जेक्ट, इवन एक स्पून भी, आप माइक्रो मोड में यूज नहीं कर सकते। इसलिए रीहीटिंग करते समय हमेशा ध्यान रखिए कि आपके कंटेनर के लिड में स्टील तो नहीं है, या आप उसमें स्पून रखकर भूल तो नहीं गए हैं। जनरली ऐसा होता है, इसीलिए ये बात मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ। नंबर 2, हीट रेजिस्टेंट सिरेमिक यूटेंसिल्स, हीट रेजिस्टेंट ग्लास यूटेंसिल्स को आप माइक्रोवेव के सभी मोड्स में यूज कर सकते हैं। टिप नंबर 3, जो कंटेनर माइक्रो मोड में यूज हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो कॉम्बिनेशन में, यानी माइक्रो प्लस ग्रिल और माइक्रो प्लस कन्वेक्शन में भी यूज हो। जैसे कि प्लास्टिक, इसे आप सिर्फ माइक्रो मोड में ही यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन में नहीं। और यहाँ मैंने एक टेबल दिखाई है, इसमें पूरे वीडियो को अपना समराइज किया है कि आप कौन कौन से यूटेंसिल्स को कौन कौन से मोड में यूज कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही में नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब बटन और उसके पास में बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोग उसे मिस ना करें। फॉलो कीजिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।